हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पोएम uh, रिबेल जो है पोएम द रिबेल इसके स्टैंडाज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट और इम्पोटेंट क्वेश्चन जो इस पोएम में से आते हैं उनको डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर लिया हुआ इस पोईम को अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टैंडा नंबर वन वन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग

इस पोइम के अंदर जो राइटर है जो पोइट है वो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जिसमें हमें ऐसे मुआरे के लोगों को दिखाता है जो मुआरे को फॉलो नहीं करते ठीक है ना उनकी थिंकिंगाशरे से मिलती है ना उनका बिहेवियर मिलता है वो टोटली डिफरेंट होते हैं सोसाइटी से ही डज़ नॉट फॉलो अदर पीपल ब्लाइंडली वो अंधा धुंध दूसरों पर एतबार नहीं करता या दूसरों के फैशन को नहीं अपनाता या दूसरों की बातों को नहीं फॉलो करता ही डिफ़र विद पीपल इन एवरी थिंग वो लोगों से हर चीज़ में जो है मुख्तलिफ होता है इफ़ द पीपल ग्रो लॉन्ग हेयर अगर लॉन्ग लॉन्ग लंबे बाल रखें तो ही इज़ फॉर शॉर्ट हेयर तो वो छोटे बाल रखने के लिए तैयार हो जाता है इफ़ हीज क्लास वो स्टार्क इन क्लास ही रिमेन साइलेंट जब क्लास में दूसरे दोस्त जो है बातें कर रहे थे तो वह चुप रहते हैं इफ़ दे आर साइलेंट इन द्लास ही क्रिएट्स नोट जब बाकी क्लास वो जो है वो खामोश होते हैं तो ये शोर में जाना शुरू कर देते हैं ही वे आर फैंटास्टिक एंड कलरफुल क्लॉथ्स इन हिज क्लास यानी कि वह रंगीन कपड़े अपनी क्लास में पहनता है जबकि बाकी यूनिफॉर्म पहन कराते हैं इफ़ हि क्लास वेल इज पुट ऑन यूनिफॉर्म ऑफ सिंपल कलर्स तो वो सिंपल यूनिफॉर्म पहन करते तो ये रंग बिरंगे डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहन आते हैं ये हमारे इस पोइम का कॉन्टेक्स था तो कॉन्टेक्स के अंदर बेसिकली हम पूरी पोइम का जो थीम होता है जो मेन आइडिया होता है उसको डिस्कस करते होते हैं अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं फर्स्ट फोर लाइन्स की टेंसर नंबर वन एक्सप्लेन इन दिस पोइम द पोइट गिवस

When एवरी वन हैज़ लॉन्ग हेयर जब बाकी सब लंबे बाल रखते हैं तो ये छोटे बाल रख लेते हैं ही ट्राइज टू मेन्टेन हिज इंडिविजुअलिटी वो कोशिश करता है कि उसकी इनफरादियत जो है वो कायम रहे फ्राम हिज पर्सनल ड्रेस एंड हेयर टू हिज़ट उसके अपने कपड़े पहनने का अंदाज़ अलहदा कायम रहे उसके बालों का स्टाइल सबसे अलहदा हो तो वो ऐसी चीज़ें ऐसी आदतें अपना लेता है कि वह सबसे मुख्तु रहना पसंद करता है सो दिस इज़ द एक्सप्लेशन ऑफ स्टेंजर नंबर वन नाउ वी डिस्कस द स्टेंजर नंबर टू वैन एवरी बॉडी टॉक्स ज्यूरिंग द लेसन द रिबेल डज नॉट से वर्ड वैन एवरी बॉडी टॉक्स ज्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस रेफरेंस और कॉन्टेक्स हम पहले कर चुके हैं वही आपने इधर लिखना है इस स्टेंजर की एक्सप्लेन देखो द बिहेवियर ऑफ रिबेल इज क्वाइट डिफरेंट इन द क्लास रूम फ्रॉम अदर बॉयस इसका जो बिहेवियर है रवैया है वो अपनी क्लास में डिफरेंट होता है दूसरे लड़कों से द रिबेल रिमेन साइलेंट इन क्लास वन अदर स्टूडेंट टॉक इन क्लास जब बाकी लोग क्लास में बात कर रहे होते हो तो ये खामोश रहता है ही प्रोड्यूस नॉइस इन क्लास वन अदर स्टूडेंट्स आर साइलेंट जब दूसरे चुप होते तो ये शोर करना शुरू कर देते हैं इन दिस वे ही ट्राइज टू लुक इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनंट इस तरीके से ये ख़ुद को इम्पोर्टेंट और नुमाया रखना चाहता है सब लोग देखें कि ये तो भाई सबसे अलीदे अनोखी चीज़ें कर रहे हैं तो ये नुमाया होने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे थे वेन एवरीबडी वेयर अम द रिबेल ड्रेसिस इन फैंटेस्टिक क्लॉथ्स वेन एवरीबडी वेयर फैंटेस्टिक क्लॉथ देश सॉबरली सॉबर् मीन्स सिंपल नाउ वी एक्सप्लेन दिस टें इन दिसज लाइन अटंट्स ऑफ दट द रिबेल वेयर स्ट्रेंज क्लॉथ वेन अदर स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म जब बाकी लोग यूनिफॉर्म पहन गए थे तो वे अजीब कपड़े पहनते हैं रंग बिरंगे से वेन ऑल अदर वेयर ये क्लॉथ्स ही वेयर मोडेस्ट एंड सोबर क्लॉथ्स जब बाकी लोग जो है कलरफुल कपड़े पहन गए तो ये जो है सिंपल सादा सा कोई कपड़ा पहन आता है ठीक है इन दिस रिबल एसट हिज इंडिविजुअलिटी इस तरह से ये जो है अपनी इनफरादियत मनवाता है पूरी क्लास में ही हिज रियल मोटिव इज़ टू लुक प्रोमिनेंट एंड डिफरेंट फ्राम अदर्स इसका जो रियल मोटिव होता है सबके पीछे वो क्या होता है कि ये दूसरों से मुख्तलिफ दिखे In the company of dog lovers, the rebel expresses a, love, a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. The rebel is quite different from others. If he sits in the company of dog lovers. जब वो ऐसे लोगों में बैठता है जो कुत्तों को पसंद करते हैं उनके बारे में बातें कर बातें करना पसंद करते हैं ये एक्सप्रेस इज़ लाइकिंग फॉर कैट ये अपनी पसंदीदगी बिल्लियों के लिए वहाँ बता देता है ठीक है ज़ाहिर कर देता है यानी कि अजीब बात करता है इफ़ ही सिट्स इन द कंपनी ऑफ़ लवर्स ऑफ कैट्स जब ये ऐसी कंपनी में बैठता है ऐसे लोगों में बैठता है जो बिलियों के लिए बात कर रहे होते हैं बिलियों से मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं कि वो बिलियों को पसंद करते हैं तो ये पता है क्या करता है वहाँ पर ही गोस इन फॉर डॉग्स तो ये कुत्तों को जो पसंदीदगी की बात वहाँ कर देते हैं कि मुझे कुत्ते पसंद हैं इन दिस वे ही एसर्ट्स हिज इन तो इस तरीके से ये अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाता है सबके दरमियान के भाई मैं सबसे मख्तल सोचता हूँ एंड ही शोज़ डिफरेंट बिहेवियर अमंग ऑल द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स नेक्स्ट टें व एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन अब इसको एक्सप्लेन करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि तशरी को देखते हैं इन दिज लाइन द रि बेल होल्ड क्वाइट व्यू फ्राम अदर पीपल ऑन वेद यानि कि मौसम पर भी ये लोगों से डिफरेंट व्यूज रखते हैं इफ़ द पीपल अराउंड हिम सिट इन सनशाइन इसके इर्द गिर्द लोग जो धूप में बैठे होंगे एंड फील द नेसेसिटी ऑफ सन और सूरज की ज़रूरत को महसूस कर रहे होंगे ही कॉन्ट्राडिक्ट देम ये उनकी तरद कर देते हैं ये कोई नई बात कर देता है वहाँ पर ही रिमाइंड्स दैम दैट दे मस्ट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ रेन एट दैट टाइम जब लोग सर्दी से बचकर धूप में बैठे तो ये कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए ये बारिश की पसंदीदगी की बात करता है ठीक है ये उनकी यानी कि अपना अलहदा नज़रिया पेश करता है इफ़ एवरीबडी वेलकम द रेन जब सब लोग बारिश को खुश आमद करते ही फील सैड ऐट द एबसेंस ऑफ सन ये जो है शोर फील कर रहा होता है अफसोस फील कर रहा होता है कि सूरज क्यों नहीं निकला इन दिस वे ही शोज़ दैट ही इज़ यहाँ पर यह शो करता है कि ये दो तो ओरिजिनल बातें करता है सबसे मुख्तलिफ है और अहम बातें करता है और अपनी इनफरादियत का लोहा बनवाता है नाउ वी एक्सप्लेन द नेक्स्ट टेंजा वन एवरीबोडी गोज़ टू मीटिंग द रिबेल स्टे एट होम एंड रीड गुड बुक्स और उसके बाद आता है आते हैं स्टे एट होम एंड रीड बुक द रिबेल गो टू द मीटिंग टू द मीटिंग द रिबेल बिहेव क्वाइट डिफरेंटली फ्राम अदर पीपल वन एवरी बॉडी गोज़ टू सम फंक्शन ही रिमेन लोनली एट होम एंड रीड रीड्स अ बुक जब सब लोग किसी मौके पर किसी तकरीब पर जाते हैं तो ये घर बैठ के किताब पढ़ता है ठीक है ही शोज़ दैट ही इज़ नॉट सोशल सोशल एबल पर्सन यानी कि ये ख़ुद को सोशल नहीं शो करना चाहता है ठीक है लेकिन जब कोई एवरी बॉडी रिमेन ऐट होम एंड एंड गोज़ टू अटेंड द फंक्शन तो भाई ये फिर फंक्शन अटेंड करने चला जाता है जब सब लोग घर बैठे होते हैं In this way, he tries to behave and act independently. इस तरह से ये अज़र uh, का act जो है वो show कर रहा होता है कि ये आज़ाद है, ये सबसे different सोचता है, ये independent है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. इन दीज लाइन दट द रिबेल टू बी डिफरेंट फ्राम अदर पीपल इन एवरी मैटर हर मामले में भाई वो मुख्तफ है द एक्शन ऑफ द रिबेल इज मोटिवेट बाई हिज डिज़ायर टू शो हिम सेल्फ इसके जितने भी एक्शंस हैं ना वो उसमें यह ख़ुद को शो कर रहा होता है ठीक है कि यह सबसे डिफरेंट है दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है मैं सबसे मुख्तु सोचता हूँ वन एवरी बॉडी सेज़ येस टू समथिंग जब वो किसी मामले में बाकी लोग हाँ कहते हैं तो द रिबेल्स इज़ नो थैंक यू ये कहते हैं नहीं जनाब शुक्रिया ठीक है दैन एवरीबडी से इज नो थैंक यू जब बाकी लोग कहते हैं कि नहीं शुक्रिया द रिबेल से इज़ यस प्लीज़ तो ये कहते हैं हाँ यानी कि कुछ चीज़ों में ये निगेट कर देते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो ये निगेट कर देते हैं और जो ये निगेट करता है वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है अपोजिट ही चीज़ें चल रही हैं नाउ वी डिस्कस लास्ट एनजा ऑफ द पॉइंट इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स ये बहुत अच्छा है कि हमारे पास रिबेल्स हैं यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन वो कहते हैं कि आप रिबेल बनना पसंद नहीं करेंगे वी एक्सप्लेन लास्ट इन लाइंस द गिव हिज ओन ओपिनियन अबाउट रिबेल्स यहाँ पर ये यह अपना ओपिनियन देता है ठीक है ही सेज दैट पीपल डू नॉट लाइक सच वह एंड एसेंट्रिक पीपल शायर कहता है कि ऐसे मतलू मजाज यानि कि जो लोगों से डिफरेंट सोचती हो अजीब कैफियत रखती हो एंड असेंट्रिक यानी कि जो सबसे डिफरेंट हो तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते बट द पोइट लाइक्स द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल इन सोसाइटी एज ए हेल्दी साइन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को होना चाहिए दीज पीपल आर क्रिएटिव इन देअ नेचर ये तख्लीकी लोग होते हैं फितरता और दे प्रोवाइड वाइटी टू दाइस ऑफ लाइफ चलें जी ये ज़िंदगी के स्पाइस में यानी कि मज़ा में एक वराइटी पैदा कर देते हैं विदाउट सच पीपल लाइफ वुड बी लॉस इट्स कलर एंड चार्म इनके बगैर तो जिंदगी का कोई रंग ही नहीं है वो अपने रंग और चमक खो देती है वी शुड नाट हेट सच पीपल हमें ऐसे लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए वी मस्ट टोलरेट द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल इन सोसाइटी हमें इनकी प्रेजेंस को बर्दाश्त करना चाहिए वैसे वो भी सही कह रहे हैं एक तरफ से रिबेल होंगे तो हम किसी चीज़ को अजीबों गरीब कह सकेंगे नहीं तो सोसाइटी बैलेंस ही चलती रहेगी तो आई एम विद राइटर सो स्टूडेंट हॉब यू विल बेटरली अंडरस्टैंड दीज टेंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट नाउ वी डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पॉइम सो समरी की पॉइंट सेंट्रल आइडिया थीम ये चार सवाल हैं लहदा लहदा पूछे जा सकते हैं इन चारों का सवाल हमारे पास समरी ही है इन चारों क्वेश्चन में हमने समरी पुट कर देनी है और समरी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है हाउ इज़ रिबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी ये दूसरे मेंबर से किस तरह से डिफरेंट होता है तो इसमें हमने तमाम स्टेंजेस की जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना ठीक है द रिबेल इज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ यूथ इस तरह से आपको स्टेट में भी पूछी जा सकती है कि रिबेल जो है ये सोसाइटल प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस किस तरह से कर सकते हैं तो आप बता देना कि इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनका इस तरह से मिजाज होता है जैसे हमने इस पोएम में पढ़ा है लाइक आप इस पोएम के बारे में ही लिख सकते हैं वहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में इज़ इट गुड टू हैव रिबेल इन द सोसाइटी क्या सोसाइटी में बागी लोगों का होना अच्छा है डिस्कस विस विद रेफरेंस टू द पोइम द रिबेल रिबेल पोइम के रेफरेंस से लिख दो हाँ इनका होना एक लिहाज से अच्छा है कि सोसाइटी में जो उम, बोरियत होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है किसी पर तनकीद करने का तो इस पर आप बातचीत कर सकते हैं ठीक है कि वो अगर एक रिबेल जो बाकी लोग हैं वो डिफरेंटली निकलते हैं सोसाइटी में डिफरेंट सोचते हैं अपना अनफियत का लोहा बनवाते हैं तो वी कैन से कि इनका होना सोसाइटी में इस लिहाज से बेहतर है बिकॉज ऐसे लोग सोसाइटी को कोई ना कोई मौजू प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो बात कर सके अक्सर लोगों के पास मौजू ही नहीं होते वो गुमसुम और खामोश रहते हैं तो ऐसे स्ट्रेंज लोग उनको कोई ना कोई मौजू दे दे देते हैं तो वो फिर उस पर बात करना शुरू कर देते हैं सो so, होप आपको ये पूरी पॉइंट अच्छे से समझ आ गई होगी गुड लक स्टूडेंट्स थैंक यू बाय